गलत दोस्तों साथ आ गया मैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम मयंक राजपूत है और जैसे मैं ये नाम सबको बताता हूँ वो फालतू इसको राइम करना शुरू कर देते हैं। लाइक मयंक मंकी, मतलब हर कोई यार कोई देखता ही नहीं है पीजी में क्या तुम लोग। तो क्या होता है ना कि जब मुझे ये ओपन माइक के बारे में पता चला मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मैं कानपुर तो कोई नहीं आता, ये कैसे आ गए? घटना कानपुर में होती है, रिपोर्टर उन्नाव से रिपोर्टिंग करते हैं, कहते हैं यहाँ नहीं आ रहे हम। तो जब मैंने ये मतलब फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया व्हाट्सएप पे, जो ओपन माइक का पोस्टर है मैं बहुत फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप को, लगा मैं साईं बाबा का पोस्टर फॉरवर्ड कर रहा हूँ। उन्होंने ऑटो जनरेट कर दिया, 10 लोगों को भेजो नहीं तो पाप लगेगा। मतलब मैं रैंडम जोक्स करूंगा, मुझे कॉमेडियन समझ नहीं आते यार। वो लोग आते हैं और कहानियां बताना शुरू कर देते हैं। क्यों? मैं 17 साल का हूँ, मेरे पास कोई कहानी नहीं है। मैं क्या सुनाऊँ तुम्हें? मेरे पास कहानियां हैं सिर्फ मेरे अपने फकअप्स की। I can fuck up anything you give me. उस दिन मैंने कढ़ाई में खिचड़ी का सामान डाल के हलवा बना दिया। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ लेकिन बना था। मैं क्या करूँ अब? अच्छा, कॉमेडियंस मुझे लिटरली समझ नहीं आते। वो लोग पॉलिटिकल जोक्स मार रहे हैं, पॉलिटिकल जोक्स। भाई हम इंडिया में हैं, यहाँ पॉलिटिशियंस भी जोक्स ही मार रहे हैं, तो तुम अलग से क्यों मार रहे हो? मतलब रूल होना चाहिए कि जब तक पॉलिटिशियंस खुद जोक मार रहे हैं तो कॉमेडियंस को अलाउड नहीं है। तुम ना मारो, मुझे हर पॉलिटिशियन कुणाल कामरा रखता है भाई, बस पॉलिटिशियंस को प्लेन में उड़ने दिया जाता है। कुणाल कामरा को मना है ना? हाँ देखो उलझ गया, मैंने बताया था मैं फकअप्स बहुत अच्छे करता हूँ। एक और फकअप बिना देखे मैं जोक नहीं मार पा रहा है ना। तो हाँ, कॉमेडियंस उनको अर्नब गोस्वामी से पता नहीं क्या चिढ़ है। क्या चिढ़ है भाई? अरे शुक्र मनाओ वो बंदा ऐसा है, तुम्हारा घर कैसे चलता हो ऐसा ना होता तो? उसी पे तो तुम सारी कॉमेडी कर रहे हो। अर्नब गोस्वामी ना होता तो सारे कॉमेडियन आज में इंजीनियर होते, बाकी UPSC कर रहे होते है ना। तो कॉमेडियंस ठीक है चलो। और कोरोना कितना फैल रहा है यार कानपुर में, क्योंकि अपेरेंटली गले पे मास्क पहनने से कोरोना कंफ्यूज नहीं होता, उसको पता रहता है कि मुंह नाक खुली है। कानपुरिया मान नहीं रहे, अभी मैं ठीक मारूंगा पता लगेगा तुमको है ना। तो कोरोना भाई, कोरोना के कारण माँ बहन हो रखी है हमारी। मेरा आखिरी साल है, मैं 12th में हूँ, ठीक है। मैं 12th सिर्फ इसलिए करी थी कि 12th ख़त्म होने पे मुझे फेयरवेल में इंग्लिश वाली टीचर के साथ डांस करने मिलेगा। लेकिन मेरे स्कूल वाले इतने हरामी, उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया फेयरवेल नहीं होगी। ये ऐसा है जैसे रवि शास्त्री को बता दो कि मैच के बाद दारू नहीं मिलेगी। भाई नहीं बताते, नहीं बताया जाता, ये वो मैच छोड़ के भाग जाएगा, ये बताने वाली चीज थोड़ी ना। और मेरे सीनियर्स, भाई क्या सीनियर है मेरे, वो लोग शो ऑफ कर रहे कि हमें फेयरवेल मिली थी। मैं कहा भाई हर साल होती है, तुम अलग थोड़ी ना थे? तो कह रहे हैं नहीं नहीं, हमने गार्ड के साथ बैठ के दारू पी। मैं कहा चूतिए, उसने तुझको क्लाइंट बनाया है, तू स्टार्ट नहीं है ना। अब कौन समझा उनको। लेकिन एक बात का सुकून है भाई, IPL चल रहा है। IPL सिर्फ वही है जिससे मेरा पूरा दिन निकलता है, ठीक है। मतलब सब बहुत एक्साइटेड है, चेन्नई वाले डोसा लेके बैठे हैं, दिल्ली वाले बल्ले लेके बैठे हैं, हैदराबाद वाले बिरयानी लेके बैठे हैं, RCB वाले सिर्फ बैठे हैं खुद देख रहे हैं, पर शायद कुछ हो जाए इस बार। लेकिन द बेस्ट आर मुंबई फैंस, डूड दे आर सो लॉयल। वो मुंबई पे कोई जोक नहीं सुन सकते, कोई भी नहीं। मेरा दोस्त है, मैंने इसको कहा भाई अभी ना अंपायर अंबानी के घर के बाहर दिखा था, कहता हाँ रिचार्ज कराने गया होगा। तो मतलब रिचार्ज कराने, लेकिन उनको अंबानी की कॉन्ट्रीब्यूशन की बिल्कुल वैल्यू नहीं है। डूड यू हैव द बेस्ट 12th मैन ऑन इन योर टीम, वो ना होता तो 5 ट्रॉफीज कैसे जाते तुम? सोचो कभी यार बैठ के, कुछ नहीं सोचते तुम लोग है ना। साउथ इंडियंस, तो चेन्नई की बात हो रही थी तो मेरे दिमाग में साउथ इंडियंस आए। डू साउथ इंडियंस आर द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू इंडिया, वो ना होते तो हम भी पंजाबियों से बेटर नहीं थे। तो मैं आई कैन प्रूव इट कि साउथ इंडियंस आर द बेस्ट।
देखो साउथ इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी तब से देख रहे हैं जब से हम गोपी गौ को लैपटॉप धोते हुए देख रहे थे। वो तब से स्टैंड अप कॉमेडी देख रहे हैं हम। गोपी गौ को लैपटॉप देखते मतलब धोते देख खुश थे, क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन लोग सोचते नहीं हैं। एंड आई एम अ बिलीवर, मैं भगवान में बहुत बिलीव करता हूँ क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बोला था करना पड़ता है तो मैं कर लेता हूँ। मैं क्या कौन इतनी बहस करे यार, आई कांट गेट इन टू डिबेट्स। तो अब मेरा बिलीव हो चुका है। तो आई नो विष्णु जी 5000 साल पहले आए थे कृष्णा बन के, बट आई एम वेरी अपसेट फ्रॉम हिम राइट नाउ क्योंकि ही वॉज मेंट टू कम जब कलयुग आए, है ना, कल्कि के नाम से, कल्कि कोचिन नहीं कल्कि अवतार, तो कल्कि अवतार के नाम से उन्होंने आना था लेकिन वो नहीं आए, मेरे को लग रहा भूल गए। तो मैंने ना एक पंडित से पूछा कि पंडित जी कलयुग आ गया विष्णु जी क्यों नहीं आए। कहते बेटा अभी कलयुग नहीं आया। मैं क्या बात कर रहे हो भाई, कैरी मिनाटी वीडियो डाल नहीं रहा, टोनी कक्कड़ रुक नहीं रहा है मेरे दोस्तों की बंदियां बन रही हैं, लड़कों का क्या कट रहा है, नेशनल स्पोर्ट बनाओ दो भाई इसको, है ना, इससे ज्यादा क्या चाह रहे हो। राहुल गांधी अभी भी जनेऊ पहन के घूम रहा है और कुछ लोगों को बीजेपी सेक्युलर लग रही है अभी भी, तो और क्या चाह रहे हो। मतलब इससे गंदा तो यही हो सकता है कि कोई कह दे कि ढिंचैक पूजा को ग्रामी अवार्ड मिलने वाला है भाई, और कुछ नहीं हो सकता। तो थैंक यू, दैट वाज मी मयंक राजपूत।